नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देख सकते हो, ये है सीमेंट का अलमारी। इसको कवर करके इसमें पल्ला लगाना है। तो सिंपल यार, आज हम इसको बना के बताएंगे आपको कि इसमें कैसा कवर करेंगे, कैसा पल्ला लगाएंगे और ये कैसा बनेगा। ये देख सकते हो, इधर डिप भी देख सकते हो, ये डिप है, इधर भी पैक करेंगे ना थोड़ा दिखाना। तो ये देख सकते हो, यहाँ भी इधर से पैक करना है, नीचे से भी, और ये सबको पूरा फ्रेमिंग करके, इन सबको फ्रेमिंग करके इसमें पल्ला चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना इन तक यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन घंटे को भी दबा देना यार। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले यार इसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो यार ये काफ़ी बेंड है अलमारी, इसको एकदम गोली गुने में बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बेंड है। तो आप देखते रहना मैं किस तरफ से इसको गोली गुने में बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका काट लेते हैं, इसका प्लाई वगैरह जो भी लगना है यहाँ पे फ्रेमिंग के लिए। तो यार देख सकते हो, सिंपल हमने ये दो पट्टियाँ काट चुकी है, इसको हमने 6-6 इंच में काटा इसके हिसाब से। तो क्या थोड़ा सा इसके चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ मैं, ताकि या तो थोड़ा सा इधर निकल जाए, थोड़ा इधर निकल जाए। और सिंपल से नाप की इसको यहाँ पे किलर ठोक दिया हूँ, ताकि ये ऊपर अटक जाए और नीचे ना गिरे। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको रख देंगे। उसके बाद आप लोगों को वाटर लेवल देख लेना है। तो ये मेरा वाटर लेवल सही है, आप देख सकते हो, दिखाना तो भाई पास से थोड़ा देख सकते हो। इस टाइप से आपको वाटर लेवल देख लेना है, इधर को नहीं देखना है, सामने को भी देखना है थोड़ा सा, ताकि ये लेवल पे रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको सिंपल सा हैमर से जाम कर देना है। थोड़ा देख के हैमर मारना, ताकि ये अपने जगह से ना हिले। इसको जाम करने के लिए सिंपल सा मैं 75 तक स्क्रू लिया हूँ 3 इंच का, और ये अपना बटन से बनाया हुआ गिट्टी है जिससे हम इसको जाम कर रहे हैं। तो आप भी सिंपल ऐसा बना सकते हो। एक तरफ इसको टाइट करने के बाद दूसरी तरफ एक बार फिर से देख लेना आप लोगों को कि है कि नहीं लेवल पे। तो ये अपना लेवल पे है, और उसके बाद दूसरा भी स्क्रू यहाँ पर डाल दीजिए। ये हो गया दोस्तों, इसको जाम करने के बाद आपको एक बार और लेवल देखना है। तो ये अपने लेवल सही है, यहाँ से भी सही है। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही जाम कर लेना है। और ये मैंने ऊपर निकाला हुआ है थोड़ा सा, ताकि ये ऊपर का अपना टाइट करेंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे जगह रखा हुआ है। ये नीचे भी निकाला हुआ है देख सकते हो, क्योंकि इसका चौड़ाई ज़्यादा है और इसका कम है। ये 6 इंच के आसपास है और ये 4 इंच के आसपास है, तो इसको भी 6 इंच बनाएंगे अपन। तो इसके लिए सिंपल ऊपर निकाल दिया है, और बाद में जो छोटा बड़ा होगा उसको साइज करके बराबर कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको जाम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं दोनों ये जाम कर लिया हूँ। अब सिंपल से इसके बीच के गैप नाप लेते कितना आया है। तो ये है 25-3 और यहाँ से 25-3। तो ये दोनों का जो गैप है दोस्तों, परफेक्ट साइज में है। अब ये नीचे का टाइट करेंगे। तो नीचे का टाइट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो मैं दो पट्टी लिया हूँ, और एक पट्टी अपन सिंपल ऐसा रख देंगे यहाँ खींच के ऐसा, और एक पट्टी यहाँ नीचे से जाम कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो जितना साइज मांगेंगे उतने हिसाब से। तो सिंपल इसको लेवल देख के अपन टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं जाम कर लिया हूँ। एक कितना बेंड है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ही बेंड है। ये इधर तिरछा झुका हुआ है, ये इसलिए ये उतना उठा। तो लेवल अपना परफेक्ट है देख सकते हो। अब इसी टाइप से नीचे में भी एक पट्टी टाइट कर देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों को मैं जाम कर लिया हूँ, ऊपर नीचे पट्टी, और ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल में है दोनों। अब इसको थोड़ा सा नाप भी लेते हैं। तो यहाँ पे है 6 में 1 सूत कम, और यहाँ भी 6 में 1 सूत कम। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गए दोस्तों। अभी सिंपल से इसमें ऊपर से एक ये वाला इतना साइज का काट के इसमें ठोंक देंगे ऊपर से। अब सेम टू सेम ऊपर को भी सेम ऐसे टाइट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से हमने फ्रेम ठोंक दिया देख सकते हो।
अब सिंपल सा जो पट्टी काट लिए हम, तो इसको इस टाइप से यहाँ पे जाम कर देंगे कील के माध्यम से। अरे नीचे का यहाँ पे, तो चलिए इसको पहले जाम कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये फ्रेम अपना कंप्लीट हो गया है और ये साइड बचा हुआ है, तो साइड को हम लोग बाद में पैक करेंगे। देख सकते हो ये साइड कैसा दिख रहा है, देख सकते हो, ये देखिए बहुत ही बेंड था ये इधर से, और यहाँ पे देखिए कितना बेंड था, कितना साइज की, इसको बहुत ज़्यादा साइज करने के बाद फाइनली ये फ्रेम लग पाया है। तो इसका सिंपल सा यहाँ पे एल कब्जा लगा के पल्ला चला देंगे दो ठो, और जितना बचेगा उसको कवर कर देंगे डाल के और इस टाइप से। तो ये फाइनल होने के बाद दिखाते हैं दोस्तों, अभी इतना है, ग्राइंडर वाइंडर मार के साफ करेंगे, साइड को पैक करेंगे, फिर वीडियो में आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने कल इसका फ्रेम वेम लगा दिए थे पूरा, और थोड़ा कपड़ा भी चेंज है, कल दूसरा कपड़ा था, कपड़े पे ध्यान मत देना यार। तो इसका सिंपल सा अब इसका पल्ला नाप लेते हैं, उसके बाद नाप के पल्ला काट लेंगे। तो ये हमने नाप लिया, चलिए इसका पल्ला काट लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने दोनों पल्ले काट लिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। अब इसमें ऊपर बना दिया, देखो यहाँ पे एक और दो लिख दिया है। अब सिंपल इसमें हमको बटन ठोकना है दोनों साइड। तो ये अपने पास है एक एक का बटन, और सिंपल इसमें लगा के दोनों साइड जाम कर देंगे इसमें कील के माध्यम से। तो देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप टेप को दोनों पल्ले में बटन ठोक लेना है। तो एक साइड में देखो मैंने कील मारा हुआ है, और आधे तो इसको बाद में रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और एक साइड कील मार के थोड़ा थोड़ा डुबा दिया हूँ, तो इस साइड अपना जो है कब्जा रहेगा। तो कब्जा साइड में कील मार के काट के मुंडी काट के डुबा दिया हूँ, और इस साइड को मोड़ दूँ, तो इसको बाद में निकाल देंगे कील को। तो अब इसको इधर से फिनिशिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से निकला हुआ है देख सकते हो यहाँ से, तो इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमने इसको फिनिशिंग कर लिया है। अब सिंपल से इसमें कब्जा लगाएंगे, तो कब्जे के लिए मैं आज ये एल कब्जा यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो ये अपने पास एल कब्जा, तो तीन पौन आधा का है, ठीक है, ये इधर से आधा है, और इधर से पौन है, इधर से भी पौन है, मतलब इधर से पौन है, इधर से भी पौन है, तो तीन पौन आधा का कब्जा बोलते हैं इसको। तो पिछले टाइम यार मैंने आपको 25mm ब्लैक बोर्ड में एल कब्जा चला के बताया था, और इस बार मैं इसमें 18mm में लगा रहा हूँ, मतलब 19mm ब्लैक बोर्ड में एल कब्जा चला रहा हूँ। तो इसका भी एक वीडियो बना दूंगा यार, तो आप लोग देख लेना, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, एल कब्जा कैसे लगाते हैं 18mm मतलब 19mm ब्लैक बोर्ड में। तो अभी तक मैंने बनाया हुआ है जो 25mm ब्लैक बोर्ड पर बनाया था, तो इसका भी एक वीडियो ला दूंगा। चलिए, तो मैं इसके लिए अब कब्जा वब्जा का खांचा वाँचा लगा लेता हूँ, फिर इसमें लटका देंगे वहाँ पर जहाँ पर लगना है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये कब्जा वब्जा लगा दिया हूँ, और एक पल लटका भी दिया हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए बोल के थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको बना रहा हूँ, तो चलिए इसको भी लटका लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो है परफेक्ट ग्रुप वगैरह मिल गया, थोड़ा पास आके दिखाना, ये देखिए परफेक्ट ग्रुप हमने मिला दिया है, क्योंकि ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है इसलिए रखे है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों टक्कर में माइका चिपकाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने परफेक्ट झूला लगा दिया, पहले ये पल्ला बड़ा था, मैं इसको पहले से कच्ची झूला के इसको साइज काट लिया था, उसके बाद ग्रुप भी बना लिया, क्योंकि जो भी हो थोड़ा सा पल्ला एक साइड से बड़ा ही होना चाहिए, एक पल्ला जो है आप थोड़ा बड़ा रखने का, ताकि ये ग्रुप मिलाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका ग्रुप मिल जाए। तो मेरा मैंने एक पल्ला बड़ा रखा हुआ था, उसके बाद कच्ची झुलाया था, झुलाने के बाद इसको मैंने अच्छे से काट लिया है, आप देख सकते हो। अब ये वाला ऊपर वाला साइज बचा है काटने के लिए, तो मैं इधर इसको परफेक्ट साइज में काट लूँ, ऊपर नीचे से इसको भी काट दूंगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने एल कब्जा ही लगाया है, ये देख सकते हो। अब इसके बाद इसको काटने के बाद इसमें बाकी का काम दिखाते हैं। तो यार ये फ्रेम तो अपना कंप्लीट हो गया, अब ये साइड साइड में ना अपन फ्रेम दौड़ाएंगे और इसके पल्ले के मोटाई के। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो एक 19mm ब्लैक बोर्ड और ये एक 6mm, दोनों को जोड़ दिया है ऐसा, और इस टाइप से इसको बना के ना यहाँ पे अपन दो सूत लगाएंगे ऐसा, ये 6mm एक ठो पास में आ जा, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक ऐसा लगा के इसको इसमें जाम करेंगे चारों तरफ से, ठीक है दोस्तों।
तो ये है अपना, देखिए यहाँ पे दो फुट के ग्रुप हो गया अपना 6 mm। अब ये वाला जो पार्टीशन है पूरा लंबा रहेगा, मैं आपको दिखाने के लिए अभी सिंपल बता रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ तक बराबर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा अपन, चलिए इसका मैं माल काट लेता हूँ और इस टाइप से अपन 6 mm इसमें जोड़ देंगे। तो अपन पहले क्या करेंगे, ये वाला ऊपर पहले लगाएंगे ऐसा, और ये वाला नीचे लगाएंगे दो फुट ग्रुप छोड़ के ना, ऐसा करके, ताकि ये जो अलग है, ये वाला पार्टीशन सीधा गया है, यहाँ से ये अलग है, तो ये चीज़ एक में हो जाए, ठीक। यहाँ पहले लगाएंगे तो ये एक हो जाएगा, उसके बाद इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेम जम जाएगा मजबूत। तो इस टाइप से लगाते हैं। तो चलिए मैं माल वाल इसका काट लेता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने दोनों में ऊपर नीचे का पट्टा काट लिया है और इसमें 6 mm जोड़ के इसको 1 inch बना दिया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 mm लगाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों को जोड़ के 1 inch बना दिया है। तो ये ऊपर और नीचे का है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक ऊपर एक नीचे का है। तो इसको मैंने नाप कैसे निकाला, ये अपना 6 mm रखा था ऐसा, और 6 mm रख के इस टाइप से ऐसा मैंने इसका नाप निकाल लिया था एग्जैक्ट जितना है उतने में। अब चलिए तो इसको मैं ऊपर टाइट कर देता हूँ। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, ये 2 6 mm यहाँ पे रख देंगे पल्ले पे ऐसा, और ये वाला ऊपर रख देंगे सिंपल ऐसा। इसको ड्रिल के माध्यम से जाम कर देंगे स्क्रू से। तो मैंने इसके लिए लिया हुआ स्क्रू ब्लैक वाले 1.5 इंच का। यार तो मैं ऊपर का जाम कर लिया हूँ, अब नीचे का भी सेम मुझे 6 mm टिका के नीचे का पट्टा भी जाम कर, चलिए जाम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यार ये अपना फ्रेमिंग हो गया यार ऊपर से, और देख सकते हो देखने में कैसा लग रहा है, आप देख के बताना कमेंट करके। तो ये तो हो गया, अब इसके बाद ना ये साइड को पैक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दोनों साइड है ना, ये साइड और इसके उधर साइड। तो इसको ना एक प्लाई से भी इसको पैक कर देंगे, ये ऊपर और नीचे पहले से पैक कर लिए है। चलिए मैं इसको भी पैक कर देता हूँ, चलिए इसके लिए प्लाई व्लाई काटते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 6 mm का प्लाई मैंने इसके लिए काट दिया है, ठीक है। अब सिंपल तो इसमें अपन पहले फेविकोल लगा लेते हैं, उसके बाद कील से जाम करेंगे इसको। तो यार देख सकते हो यार, मैं इसका साइड का प्लाई यहाँ पे ठोक दिया हूँ 6 mm का। अब ये दोनों तरफ से मैंने इसको ठोक दिया अगल बगल से, इधर से पहले से पैक कर दिए थे ऊपर नीचे को। तो ये फाइनल हो गया यार ये फ्रेम का जो काम है। अब इसमें सिर्फ माइका पेस्ट करने का बाकी है, तो उसको भी दिखाएंगे, माइका पेस्ट करेंगे उसको। तो इसके बाद मैं अंदर को दिखाया था आपको थोड़ा सा, आप देख सकते हो अंदर कैसा दिखता है इसका। तो ये देख सकते हो यार, पहले दिखाया था सीमेंट का अलमारी था ये, है ना, ईट वाले सीमेंट का। तो इसको पैक कर लिया है, तो अंदर का तो कुछ नहीं होगा, अंदर ऐसा ही रहेगा कि ऊपर से बाहर से ऐसा ही रहेगा। तो चलिए अब इसके माइका वाइका का काम करते हैं, माइका काटते वाटते हैं, फिर पेस्ट करेंगे। तो यार मैं ये ग्लेंडर वलेंडर मार के इसको फिनिश कर लिया हूँ, देख सकते हो, और ये पल्ला निकाल के रख दिया हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसके लिए माइका काट लिया हूँ पट्टी। तो सिंपल से अपन किसको पहले चिपकाएंगे, ये वाला जो टक्कर है अंदर का, ये वाला और ये वाले, ये दोनों को पहले चिपकाते हैं, फिर इसको अगल और बगल को चिपकाएंगे इधर को, फिर उसके बाद लास्ट में सामने को चिपकाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले अपन इसको चिपका लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल मैं ये फेविकोल हीटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पट्टी है, इसको फेविकोल से नहीं चिपका सकते, तो इसके लिए मैं हीटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको पहले हम चिपका लेते हैं। तो यार मैं इसको चिपका लिया, इसको थोड़ा ठोकना बाकी है। इसी तरह से ये ऊपर वाले में, इसमें इसमें, तो पहले अंदर अंदर को चिपका लेंगे इस टाइप से, फिर ये सामने वाले को, ये ऊपर वाले को, फिर ये इधर को, फिर फाइनल में इसको। चलिए मैं चिपकाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यार मैंने ये दोनों टक्कर चिपका दिया, आप देख सकते हो ये वाला। अब ना इनका ना अगल बगल का चिपका लेते हैं। तो ये वाला बगल में चिपका दिया पहले से, अब इसको आपको दिखाता हूँ चिपका के। तो इसको सिंपल मैं इसका जो माइका है इसको मैंने मिला के रख लिया है, और सिंपल से इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यार इसमें मैंने ये फेविकोल लगा लिया, देखिए किनारे पे मैंने ना हीटेक्स का यूज़ किया है, ठीक है, ये किनारे पे, तो ताकि इधर क्या टेप मारते नहीं बनता, तो इधर मैं किनारे में हीटेक्स यूज़ किया हूँ, इधर फेविकोल। तो सिंपल इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमने साइड का माइका पेस्ट कर लिया है, और ये अंदर टक्कर भी चिपका लिया है। अब इनका जो बचा है ये सामने वाला बचा है, तो सामने वाला पोर्शन अब चिपकाता है। तो इसको सूखने के लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 घंटे बाद इसको चिपकाएंगे, गर्मी के दिन है तो जल्दी से सेट हो जाएगा ये। चलिए मैं इसका माइका भी काट लेता हूँ अब। तो यार ये हमारा साइड का माइका सूख चुका है, और हमने इसका जो टेप है रिमूव करके इसको फिनिश कर दिया है चारों तरफ, ठीक है दोस्तों। तो यार मैं इसके लिए ना माइका काट दिया हूँ, ये तो छोटा वाला काटा हूँ ये ऐसा के लिए, और ये 2 खड़ी काटा हूँ ये इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यार सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
हम लोग ये वाले जो खड़ी माइका है ना उसको पहले चिपकाएंगे, ठीक है, ताकि ना ये ज्वाइंट है ना यहाँ पे इसका प्लाई का वो एक में पकड़ आ जाए। अब ठीक है, मैं इसमें कलम नहीं मिला रहा हूँ ना, यहाँ पे कोने में कलम मिलता है ना, नहीं मिला रहा हूँ। तो इसके लिए क्या किया हूँ, खड़ी रेसा लंबा काटा हूँ, खड़ी में ये अपना खड़ी रेसा है, उसके बाद जो बेड़ा वाला रेसा है ना आड़ा वाला ऐसा, उसको ऐसा काट दिया हूँ ताकि यहाँ पे ज्वाइंट मिलाने में कलम की नौबत ना पड़े। आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको कलम मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगा, वहाँ पे लगेगा कि एक ही माइका चिपका हुआ है ऐसा। मैं चिपका के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा लिया है, इसमें भी इसमें भी, और यहाँ पे ना कोने पे हीटेक्स लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाले कोने में हीटेक्स लगाया हूँ, लगभग 4-4.5 इंच के आसपास ये कोने में हीटेक्स लगाया, ठीक है, देख सकते हो, ताकि ये ऐसा चिपकाने से ना जो इधर का ज्वाइंट है ये इसमें आके इसमें मतलब अपन मिलाएंगे माइका। अगर इसको मैं फेविकोल से लगाता तो ये सुखन जाए तो थोड़ा सा उड़ जाता है, तो इसके कारण से मैंने इसमें यहाँ पे हीटेक्स लगा दिया हूँ दोनों तरफ, यहाँ भी ऊपर भी नीचे भी। तो इस टाइप से एक साइड को बराबर करके इसको मिला लेते हैं पहले। अब दोस्तों ये हीटेक्स वाला पोर्शन को थोड़ा सा ठोंक लेते हैं इसमें, ये कोने बस में लगाया हूँ ना, ये कोने में ऐसा और ये नीचे के कोने में, क्योंकि इधर माइका ज्वाइंट करना है अपन को, इसलिए अब इसमें एब्रो टेप मार देते हैं। चलिए मैं एब्रो टेप मार के इधर को भी चिपका लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यार देख सकते हो मैंने दोनों साइड माइका पेस्ट कर लिया है, अब इधर से भी हम पेस्ट कर देंगे ये दोनों को। तो इसके लिए मैंने माइका मिला लिया है, देख सकते हो ये वाला दे इस टाइप से। तो देख सकते हो मैंने कैसा परफेक्ट मिलाया हुआ है, शायद आपको दूर से तो ज्वाइंट पता नहीं चल रहा होगा। तो यार माइका कैसे मिलाते हैं आप लोग कमेंट करना, मैं एक वीडियो इसका बना दूंगा खासकर कि माइका कैसे मिलाया जाता है ऐसा ऊपर में। नीचे में तो कोई भी मिला जाता है ज़मीन पर, लेकिन यहाँ पर मिलाना बहुत बड़ी बात रहता है। तो इसका एक वीडियो बना दूंगा कमेंट करोगे तो चलिए मैं अब इसको पेस्ट करूँगा फिर मिलूँगा, क्योंकि इधर मैं दो साइड हीटेक्स लगा दूंगा, ये वाले कोने में और ये वाले कोने में, क्योंकि इसमें भी दो साइड हीटेक्स लगाया था, तो ताकि ये ज्वाइन करते समय ये हीटे ना मतलब यहाँ से निकले ना, क्योंकि फेविकोल लगा देने से क्या है यहाँ पर फिर कुछ ठोकना पड़ जाएगा पट्टी वगैरह, तो पट्टी ठोकना नहीं है, कील का निशान नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर हीटेक्स लगाएंगे ही दोनों तरफ। तो चलिए मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ये वाला और ये नीचे वाला, फिर मिलता हूँ। तो अरे यहाँ पे देख सकते हो हमने दोनों माइका चिपका दिया है, हमें टक्कर मिला दिया है यहाँ से, ये ज्वाइंट जो है देख सकते हो। अब ये हो गया अपना कंप्लीट, इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये पल्ला में माइका पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये टक्कर चिपका लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा पट्टी काट दिया है देख सकते हो ये वाला, और सिंपल से यहाँ पे सब तरफ पेस्ट कर देंगे चारों तरफ। तो चलिए मैं पेस्ट करता हूँ फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो यार देख सकते हो हमने चारों तरफ इसका टक्कर चिपका दिया है, ठीक है। अब ना इसमें माइका पेस्ट करेंगे, तो ये सामने है ना, तो सामने में कलर वाला लगाएंगे और इधर पीछे में ये वाले पीछे में इनर सन माइका लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसका माइका पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यार कल हमें दोनों पल्ला माइका पेस्ट कर दिए थे दोनों तरफ, ठीक है, इस टाइप से, और टक्कर भी चिपका दिए थे पहले। तो इसको ना टेप वेप रिमूव करके इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इनके जगह पे लटका देते हैं, तो चलिए मैं लटका देता हूँ। तो यार देख सकते हो दोनों पल्ला लटका दिया अपन ने, अब इसको लगा के देख लेते हैं कैसा लगा है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये अपना ग्रुप जो है अच्छे से बन चुका है, और साइड का भी ग्रुप सब अच्छे से है। तो यार ये तो कंप्लीट हो गया है, अब इसमें बाकी है हैंडल लगाने का। तो ये अपने पास 6 इंच का हैंडल है, क्योंकि ये पल्ला छोटा है, लगभग 40 इंच का है हाइट, तो अपन ये क्या कर रहे हैं 6 इंच का हैंडल लगा रहे हैं। अगर ये और बड़ा रहता तो 8 इंच या 10 इंच का लगा सकते थे, या इससे और छोटा रहता तो 4 इंच का भी लगा सकते थे। तो यार मैं हैंडल लगाने का एक पूरा वीडियो बना दूंगा यार, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हैंडल को पहले मैं लगा लेता हूँ फिर मिलूंगा। अगर इसके बाद एक आधो दिन में मैं एक हैंडल लगाने का पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि हैंडल कैसा लगाता है, ये अंदर स्क्रू वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं हैंडल लगा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। बगल से दिखाता है इसे, ये अपना बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों पूरा। यार यहाँ पे मैंने हैंडल लगा दिया और अंदर ना ये मैग्नेट कैचर लगा दिया, ठीक है। मैग्नेट कैचर क्या है, पल्ला को पकड़ के रखता है। और इसमें एक चीज़ बाकी है, डोर चेन लगाने का। तो डोर चेन भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उसको एक दो दिन में आएगा तो लगा दूंगा, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि डोर चेन लगाया कैसे जाता है,
क्योंकि ये जो माइका है ना नट टूटे, इस कारण से इतना जितना में खोलना है उतने में खुले, इस टाइप से डोर चैन लगाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताना भाई, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ भाई। ये वीडियो ने यार कम से कम 7-8 दिनों की मेहनत के बाद बनाया यार, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे को 7-8 दिनों में बनाया है इस वीडियो को पूरा किया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और बहुत सारा काम था और ऐसी बहुत सारा अलमारी यहाँ पे, सबका काम धीरे धीरे चल रहा था, जब भी इसका समय आया तो इसका वीडियो हम लोग थोड़ा थोड़ा बना लेते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ भाई। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।